हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संदीप, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम दिखा रहे हैं आपको स्कॉर्पियो का टर्बो है। इसका कोर चेंज कर रहे हैं और इसका जो कोर के जो ब्रेक सिस्टम, इंजन ब्रेक सिस्टम दिया, वो बहुत जाम था। मैंने क्या क्लीनर दे के रखा था तो जाकर ये फ्री हुआ पूरा, नहीं तो पूरा ही जाम था। अगर फ्री नहीं होता तो लगाने से कोई काम नहीं करता है। इंजन चोक लगा हुआ रहता है और टर्बो जल्दी ख़राब हो जाता है मोबिल जाके। इसे मैंने क्लीनर को डाल के रखा था 2 घंटा। ये आपका लिंक दिया हुआ चैनल में, आप जाकर ले सकते हैं। 2 घंटे डाल के रखने के बाद ये पूरा फ्री हो गया ऑटोमेटिक, माने कुछ करना नहीं पड़ा। मैं तेल में भिगाया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसमें पूरा फ्री हो गया। और हमारा वीडियो देखिए, चैनल को लाइक करके, लिंक दिया हुआ, आप मंगा सकते हैं इसे डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए पूरा फ्री है। अब इसका हम नया कोर है उसको ढालते हैं। सबसे पहले हम, ये देखिए कोर है, इसको बिठाकर 3 बोल्ट 4 बोल्ट है इसमें, चारों टाइट हो जाएगा। और कंट्रोलर का है, उसको टाइट कर लेते हैं। हल्का ठोक लेते हैं बस। ये हम बोल्ट फंसा कर लिए हैं, अब सब बोल्ट हम टाइट कर लेते हैं। इसको घुमा के चेक कर लें काम कर रहा कि नहीं, बस अगर उल्टा भी बैठ जाता कभी एक बार। देखिए काम कर रहा है हमारा, जिसको सफा किया था हमने इंजन कंट्रोलर को। देखिए इसे हवा से मारकर हम चेक कर ले रहे हैं। अब इसका बोल्ट हम सब टाइट करके इसको फिटिंग कर देते हैं और इसका कवर डाल देते हैं। मैंने नया ढाला है, पुराना का सापट उपट सब खराब हो गया, इसीलिए कि ढालना छोटा गाड़ी में ठीक नहीं रहता है। नया ढालना ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्टिंग कर लेते हैं, फंसा देते हैं। ये फंस गया है और हम इसे फिर से चेक कर लें। हाँ ठीक, ठीक से काम कर रहा है। और इसको भी टाइट कर एडजस्टिंग थोड़ा कर लेते हैं, इसको सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग हो गया, अब इसे ऊपर का कवर लगाकर इसका बोल्ट टाइट कर देना है। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन सफाई ज़रूरी है इसे। जितना अच्छा सफा करेंगे सेटिंग करने में उतना ही अच्छा रहेगा। आराम से खोलिए, बढ़िया से धोइए, उसे सफा करिए और अच्छे से सेटिंग करिए। बैठ गया है, इसे बोल्ट टाइट कर लेते हैं सारा हम चारों। अगर आपको कोर छोटा गाड़ी की ज़रूरत पड़े कोई भी सामान, तो हमारे पास छोटा बड़ा गाड़ी सभी गाड़ियों का सामान उपलब्ध है और कुरियर से पहुंच जाएगा। नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हैं और कोई भी सामान मंगा सकते हैं फ़ोन कर कर। हमारा कलकत्ता दिल्ली दोनों से ही सामान आता है सर। यहाँ से देखना ज़रूरी है कि टर्बो कोर के जो पंखा में गैप कितना है। अगर गैप ज़्यादा होगा तो भी टर्बो ख़राब हो जाएगा। कोई भी टर्बो फिटिंग करे इसको ध्यान दें, क्योंकि टेपिट गेज का पतला ही जाएगा अंदर, और ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गैप होने से सापट टूट जाएगा, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा हवा का तो तोड़ देगा गैप ज़्यादा। खाली उसे हल्का से गैप रहना चाहिए, इसीलिए इसे हम ढक्कन खोल कर चेक कर लिए। अब इस ढक्कन को हम लगा देते हैं। अब टर्बो रेडी हो गया है, 3 बोल्ट हमारा टाइट हो गया है, इसे फंसा दिए हैं हम। अब इसे टाइट कर देते हैं। एक कंप्लीट हो गया हमारा टर्बो कोर, हम चेंज कर दिए हैं। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा वीडियो पहले देखने के लिए।